दोस्तों इसे कहते हैं थ्री पिन टॉप। ये अक्सर आपने देखा होगा कि किसी भी बड़े अप्लायंसेस के ऊपर इसे कनेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें इंडक्शन की, तो उसमें भी एंड में ये लगा हुआ रहता है, या फिर रूम हीटर वगैरह, किसी भी बड़े अप्लायंसेस में आपको ये देखने को मिलेगा। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जब हमारे किसी प्रोडक्ट का ख़राब हो जाता है, तो हमने पूरा प्रोडक्ट ही चेंज करना पड़ जाता है कई बार। बट बेसिकली हम सिर्फ थ्री पिन टॉप कर चेंज करके भी उस प्रोडक्ट को फर्दर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बात करूँ इस रूम हीटर की, तो इसका ये थ्री पिन टॉप ख़राब हो गया था, जिसे मैंने अभी चेंज किया है। तो ये आप यहाँ पर से कट करके फिर से नए से कनेक्ट करके और पूरी तरीके से इस रूम हीटर को रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास है ये एंकर ब्रांड का थ्री पिन टॉप दोस्तों, जो कि आपको MRP इसका 100 रुपीज़ के राउंड आता है, बट मार्केट में आपको थोड़े कम दाम में ही मिल जाएगा। तो ये इनका बेस्ट ब्रांड कह सकता हूँ मैं। अभी तक मैंने जितना भी यूज़ किया, उनमें से मुझे ये सबसे अच्छा लगता है। और इसका अगर क्वालिटी आप चेक करना चाहें, तो ये देख सकते हैं आप, इसके बिल्टअप क्वालिटी को भी बहुत ही प्रीमियम तरीके से बनाया गया है इसे। इसमें ग्रिप काफ़ी अच्छी दी गई है गाइज, यहाँ साइड की तरफ हल्का स्पेस दिया गया है कि आप जब इसे प्लग आउट कर रहे हो, तो अच्छे से पकड़ के इसे फोर्सफुली खींच सके पीछे और ये इजीली आउट हो जाए। तो बेहतर तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है, देख सकते हैं आप। दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में थ्री पिन टॉप की वायरिंग के बारे में भी आपको बताऊँ कि कैसे इसे वायर से कनेक्ट करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो तब तक अगर आपने इसकी ज़रूरत है, तो बिल्कुल सही तरीके से इनका चुनाव करके इसकी ख़रीदारी करें, अच्छे से अच्छे ब्रांड का खरीदने की कोशिश करें। मैं बार बार ऐसा इसलिए कहता हूँ क्योंकि अगर आप लोकल कम पैसे के चक्कर में कोई भी जनरल खरीद लेते हैं, तो वो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। जैसे ही आप में एप्लीकेशन में हैवी लोड आएगा, वो ख़राब हो जाएगा। तो बार बार उसे बदलने से बेहतर है कि आप एक ही बार थोड़े अच्छे क्वालिटी का लेकर के लगाएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में।